दोस्तों, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सोना सिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये आज लॉन्च हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा, और जो आज लॉन्चिंग में ही लगभग 50% जो था सोल्ड हो चुका है। ये सारा का सारा, ये देख रहे हैं, रोड वगैरह का सारा काम चल रहा है यहाँ पे। ये बराबर में सरकारी स्कूल है, और अगर मैं आपसे कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्लीज बाहर से थोड़ा रोड भी देखिएगा आसपास। हाँ जी। पूरी परोपर यहाँ पे जो था ना, आबादी है आसपास, ठीक है, यानी आज ही आप यहाँ पे बना के रह सकते हैं। यहाँ पे बिजली पानी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, पानी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है। और पूरी आबादी के बीच में इधर चारों तरफ देखिएगा, चारों तरफ, यानी चारों तरफ आपको घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। ये देख रहे हैं, ये IMT सोना का यहाँ पे काम चल रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। देखिए प्रॉपर यहाँ पे क्रेन वगैरह, सरिया वगैरह, पूरा लेंटर वगैरह पूरा प्रॉपर चल रहा है, जो कि ATL 180 एकड़ की कंपनी आ रही है। अमेजोन फाइनल हो चुका है यहाँ पे, ठीक है जी। दूसरे हॉस्पिटल भी यहाँ पे, जो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, हाँ, वो हॉस्पिटल का भी यहाँ पे काम लगभग स्टार्ट होने वाला है। बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड लग चुका है, ठीक है जी। तो कंपनीज ने यहाँ पे आना स्टार्ट कर दिया है, हाँ, और मारुति की भी खबर है, यहाँ पे मारुति का भी प्लांट आ रहा है, तो भी ये सारी चीजें। दूसरे INS का ऑफिस भी आ रहा होगा सर, बिल्कुल सर, INS का हर जगह ऑफिस। दूसरी बात, मैं सबसे बड़ी आपको एक चीज बताऊँ सर, हाँ जी, प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में बहुत जबरदस्त है। आप हमारे दादा बाबा ने जो जमीनें ली थी 100 रुपए, 200 रुपए, 50 रुपए गज में, आज उनके रेट हम आप देख ही रहे हैं, आराम से मजे ले रहे हैं। मैं तो जी एक बात कहता हूँ, सबसे बढ़िया मुझे एक बात लगती है सिराज भाई, क्या जी, प्रॉपर्टी के मामले में, हाँ जी, जब आप बूढ़े हो रहे होते हो ना, हाँ, आपकी प्रॉपर्टी जवान हो रही होती है, क्या बात। तो प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, एक चीज की आप लोगों से प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करें, लीगलिटी जरूर चेक करें, डॉक्यूमेंट चेक करें, कागज चेक करें। सबसे पहले जो था, ये जो चीजें थी यहाँ पे, DMIC था, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, या वेस्टर्न रेडी क्रेडिट फ्राइट कॉरिडोर, या नेशनल हाईवे 248A की बात करें, तो सबसे पहले कागजों में था, ठीक है जी। लेकिन अभी हम जब देखते हैं तो DMIC लगभग कंप्लीट है, चालू होने वाला है। हाँ जी। आपने देखा होगा आते हुए रास्ते, हाँ, में जो कि नेशनल हाईवे 248 सर, वहाँ से पर काफी क्रेन लगी हुई है, मैंने देखा बहुत ज्यादा काम वहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल सर, INS बिल्टेक इसी चीज के लिए तो फेमस है। 30% डाउन पेमेंट आप देंगे, आपके प्लॉट के ऊपर आपको कब्जा मिल जाएगा, आप अपने प्लॉट की बाउंड्री कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं, बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो आप 30 महीने की ब्याज मुक्त किस्तों पे दे सकते हैं। आप दिल्ली की तरफ से आते हैं तो आप NH10 से जैसे ही नीचे की तरफ उतरते हैं तो आपको एक ही रास्ता दिखाई देता है, जो कि दिल्ली से गुड़गांव की तरफ है, यानी कि जयपुर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, पूरी एक तरह से साइबर सिटी है, यानी कि पूरी बिल्डिंगें यहाँ पर बनी हुई है, और बहुत बड़ा एक एरिया है जहाँ पर आपको हम ये प्रॉपर्टी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है यहाँ पर, आपको आकर के ऐसा लगेगा कि जैसे आप किसी विदेश में आ गए, यानी बाहर की कंट्री में आ गए। ये बिल्डिंगें देख पा रहे हैं आप, इस तरह की आपको कुछ लोकेशन मिलती है हमारी साइड पे जाने से पहले। दोस्तों सामने देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पर गुरुग्राम आ चुका है हमारा, ये देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है सोहना रोड पर। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, सोहना की मार्केट है, जो कि आपको साइड से थोड़ी दूरी पर मिलती है, और यहाँ पर इस तरह की पूरी प्रॉपर मार्केट मिलती है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है दिल्ली टू बॉम्बे कॉरिडोर। यहाँ से आप देख सकते हैं टोटल जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं, जितने भी यहाँ पर सारे इंडस्ट्रीज़ के काम होंगे, वो सारे इसी कॉरिडोर से दिल्ली से बॉम्बे की तरफ जाएंगी। जितनी भी ट्रेनें और जितना भी माल, सारा इसी फ्लाईओवर से, यानी इसी एक्सप्रेस वे से जाएगा। देख सकते हैं आपको यहाँ भी इंडस्ट्रीज़ मिल जाएंगी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ मिल जाएंगी, यहाँ पर जहाँ भी आप देखेंगे हज़ारों इंडस्ट्रीज आपको मिल जाएंगी। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको लेकर के आया हूँ एक बहुत ही अच्छी जगह, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, अगर आपको रहने के लिए घर चाहिए, तो यहाँ पर ऐसी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। आप देख सकते हैं पीछे यहाँ पर सारे में घर बने हुए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ पर आपको पास में मिलने वाला है IMT सोना, जहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज आने वाली हैं। आज की डेट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट एरिया है, जिसे हम कह सकते हैं IMT सोना, तो वहाँ पर ये आपको सारी प्रॉपर्टी मिलने वाली है। इस प्रॉपर्टी के बारे में आपको सारी डिटेल हमारे लक्की सर देने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आ गए हमारे साथ लक्की जी। लक्की जी क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। बिल्कुल ठीक। दोस्तों आपको पता होगा लक्की सर ने अभी तक काफ़ी प्रोजेक्ट सेल आउट कर दिए हैं। अगर हम बात करें कंपनी की, तो सारा इंट्रोडक्शन आपको सर देने वाले हैं। सर बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे पहले इस लोकेशन की बात करते हैं। हाँ जी। लोकेशन ये है, ये IMT सोना, ठीक है जी। जैसे कि लोगों को पता है कि अब तक की सबसे बड़ी IMT बन रही है, ये सोना में साउथ ऑफ गुड़गांव में पड़ता है। हाँ जी। जो साउथ गुड़गांव बन रहा है, नया गुड़गांव, जैसे कि नोएडा के बाद ग्रेटर नोएडा बना, तो इसको भी आप ग्रेटर गुड़गांव समझे। अच्छा जी। ये हमारा अभी फेज 5 प्रोजेक्ट है। अगर मैं इसकी बात करूँ, फेज 5 हमारा लगभग बिक चुका है, इसमें इन्वेंट्री और जो थी बढ़ी है, ठीक है।
दूसरी बात, मैं पहले यहाँ पे डेवलपमेंट की बात कर देता हूँ। देखिए रोड बनने लग रहे हैं, मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा प्लीज एक बार ये रोड वगैरह दिखा दीजिएगा। यानी रोड बनना स्टार्ट हो चुका है? बिल्कुल, ये रोड बनना स्टार्ट हो चुके हैं, रोड बनने सारा माल वगैरह डलने लग रहा है। ठीक है, और आगे सामने देखेंगे लोगों ने मकान भी बना लिए सिराज भाई। सर पास में ही बसावट है, बिल्कुल सारी चीजें आस पास ही मिल जाती है। ये जो मकान बनाए ये यहीं पे लोगों ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने, जैसे कि पता है। सर वो रोड भी देख रहा हूँ मैं, वो रोड किस तरह का? एक वहाँ पे हमारा फेज 6 एक्सटेंशन और फेज 6 है, हम वहाँ पे भी जाएंगे। ठीक है, और जहाँ मकान देख रहे हैं सारे पक्के रोड है, अभी वहाँ से कवर करेंगे ना तब देखेंगे आप एक बार। क्या बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जाते हो एक बार कवर करना। ठीक है, ये मकान जो बने हुए हैं ना, ये सरकार जैसे यूपी में हरियाणा में पैसा दे रही है लोगों को मकान बनाने के लिए, तो उन लोगों ने इनको पैसा दिया हुआ है मकान बनाने के लिए। क्या बात, उन लोगों ने यहाँ से जमीन खरीद के मकान बना लिए, जैसे कि आप लोग देखेंगे। और वहाँ पे आप देखेंगे ना वो नंबर प्लेट वगैरह जो लगी हुई है प्रॉपर, तो जो सरकार से पैसा लेता है उस पे वो लगा होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट इनको प्लॉट बनाने के लिए पैसा दे रही है, मकान बनाने के लिए प्लॉट कंपनी से खरीदा इन्होंने हमारे फेज 6 में। ये फेज 5 है, ये फेज 6 है और फेज 7 हमारा इधर है। ये लगभग 180 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ फेज 5 की जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं, यहाँ पे रेट हमारा 6,500 रुपए से 7,500 रुपए का है। ठीक है जी, और उसकी बात करूँ फेज 6 की, फेज 6 का हमारा रेट 7,000 से लेके 8,000 रुपए तक है। ठीक है, वही हमारा फेज 7 और फेज 7 एक्सटेंशन है, उसका रेट भी हमारा फेज जो था 7,000 से लेके 8,000 रुपए तक है। सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेमेंट्स की, जैसे कि किस्तों पे भी प्लॉट्स मिल जाता है? बिल्कुल सर, INS बिल्टेक इसी चीज के लिए तो फेमस है। 30% डाउन पेमेंट आप देंगे, आपके प्लॉट के ऊपर आपको कब्जा मिल जाएगा, आप अपने प्लॉट की बाउंड्री कर सकते हैं, मकान बना सकते हैं। बाकी जो रेस्ट अमाउंट है वो आप 30 महीने की ब्याज मुक्त किस्तों पे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं रजिस्ट्री कराना तो आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं, और रजिस्ट्री के लिए आपको 10% और अमाउंट देना, मतलब अगर आपने टोटल 40% पेमेंट कर दिया तो 40% पेमेंट में आप अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं। रजिस्ट्री विद दाखिल खारिज है, यहाँ पे पक्की रजिस्ट्री है और रजिस्ट्री आपको ओरिजिनल मिल जाती है। अगर 40% पेमेंट देके आप रजिस्ट्री करा रहे हैं तो रजिस्ट्री का चार्ज देना होता है इन्वेस्टर को। ठीक है, बाकी रेस्ट 60% अमाउंट आप 30 महीने की ब्याज मुक्त किस्तों पे दे सकते हैं, जिसके ऊपर कोई ब्याज है ना कोई पेनल्टी है। दूसरे, अगर कोई पेमेंट चाहता है कि वन शॉट में करना चाहता है, उसके लिए भी ऐसा नहीं कि हफ्ता 10 दिन का टाइम देती है कंपनी, उसके लिए कंपनी 1 महीने का यानी 30 दिन का टाइम दे रही है। आप 30 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे अगर 100%, तो जो रजिस्ट्री का खर्चा है वो कंपनी देगी, बाकी आपको सिर्फ म्यूटेशन के नाम का देना है, म्यूटेशन का खर्चा देना है, वो मामूली सा 4-5 हज़ार रुपए होता है। यहाँ पे जो जेवर एयरपोर्ट वाले प्रोजेक्ट है हमारे, वहाँ पे म्यूटेशन का 6,000 रुपए खर्चा होता है। दूसरी बात, आज ही हमारा एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं सोहना, सोहना सिटी के नाम से, ये पड़ता है बिल्कुल आबादी के बीच में है। ठीक है जी, अभी हम इसको भी देख रहे हैं चल के, तो ये सोहना सिटी के नाम से हमारा प्रोजेक्ट है, इसका रेट 9,400 से 14,000 रुपए तक है। क्या बात है सर, एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ पर सबसे मेन चीज होती है जैसे कि हम आसपास की बात करें तो हमें मेन USP क्या मिल जाती है? बिल्कुल, मैं अगर मेन USP की बात करूँ, देखिए आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के दो ही प्रोजेक्ट है, दो ही जगह इन्वेस्टमेंट आसानी से इंसान कर सकता है। एक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अगर आप जाके देखेंगे तो हमारे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है, हमारा चैनल है यूट्यूब के ऊपर दिल्ली NCR प्रॉपर्टीज, आप उसमें जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो हम खड़े हुए लोकेशन, ये भी इंटरनेशनल लोकेशन है, एक मतलब वर्ल्ड क्लास लोकेशन जिसको कह सकते हैं। ठीक है जी, अब तक की सबसे बड़ी IMT यहाँ पे बन रही है, और आपने देखा होगा अभी आते हुए सिराज भाई कि किस तरह से बहुत तेजी से काम चल रहा है। ATL 180 एकड़ की जो थी कंपनी बनने लग रही है, यहाँ पे काम चल रहा है। उसके अलावा अगर मैं आसपास की USP की बात करूं, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो यहाँ से होके गुजर रहा है। अब से पहले जो था ये डॉक्यूमेंट जो चीजें थी यहाँ पे, DMIC था दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, या वेस्टर्न रेडी क्रेडिट फ्राइट कॉरिडोर, या नेशनल हाईवे 248 की बात करें, तो सबसे पहले कागजों में था। ठीक है जी, लेकिन अभी हम जब देखते हैं तो DMIC लगभग कंप्लीट है, चालू होने वाला है। आपने देखा होगा आते हुए रास्ते में जो कि नेशनल हाईवे 248 के ऊपर से क्रॉस कर रहा है, काफी क्रेन लगी हुई है मैंने देखा, बहुत ज्यादा काम वहां पर चल रहा है अभी जी। उसके अलावा फिर हम आते जो कि DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, 450 मीटर चौड़ा रोड बन रहा है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रोड बन रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर हम थोड़ा और नजदीक आते हैं अपने प्रोजेक्ट के, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो कि
जिसके ऊपर सिर्फ माल गाड़ी ही चलेगी, डबल ट्रैक का बन रहा है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, 1499 किलोमीटर लंबा बन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसके बाद नेशनल हाईवे 248 हो गया, ये यहाँ पे जो था IMT हो गया, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, फिर KMP जिसको कुंडली मानेसर पलवल बोलते हैं, इसको ईस्टर्न पेरिफेलर वेस्टर्न पेरिफेलर भी बोलते हैं, और देसी भाषा में दिल्ली NCR का गोल चक्कर भी बोलते हैं। लगभग 350 किलोमीटर का इसका रेडियस है। तो ये सारी USPs यहाँ पे है। IMT में काम शुरू हो गया और जैसे ही IMT में काम यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सिराज भाई बहुत हलचल हो गई है, क्या बात, बहुत जबरदस्त। यहाँ पे हमारा जो था ना जो इन्वेस्टर है बहुत तेजी से आ रहे हैं और दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं। सर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे आपके नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहते हैं और अभी भी जो आप इस प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हैं, इससे पहले के प्रोजेक्ट की बात करूँ तो वहाँ पर और यहाँ पर, यानी प्राइस कितने दिनों में कितने इंक्रीज हो जाते हैं आपके? देखिए अगर मैं इंक्रीज की बात करूँ, हमारा जो प्रोजेक्ट है, इनकी जो प्रोजेक्ट हमारे फेज 5 फेज 6 फेज 7 या फेज 8 फेज 9 जो भी हमारे प्रोजेक्ट अब से पहले बिक चुके हैं, अगर हम उन प्रोजेक्ट की बात करें, इन ये प्रोजेक्ट कोई 5000 में, कोई 7000 में, कोई 6000 में बिके हैं। आज की तारीख में जो रीसेल हो रहा है, जो यहाँ पे रीसेल कर रहे हैं इन्वेस्टर अपना, जिन लोगों ने 2-3 साल पहले यहाँ पे लिया था 10,000, 11,000, 12,000 रुपए के रेट में। दूसरी बात, आज ही हमारा जो प्रोजेक्ट सोना सिटी के नाम से लॉन्च हुआ है वो भी 9,400 से स्टार्ट हुआ है, 14,000 रुपए तक के रेट में, ठीक है जी। तो यहाँ पे रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और जैसे ही IMT स्टार्ट हुआ है तो रेट होगी बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ने की और उम्मीदें आ रही है। सर साइज की बात करें तो प्लॉट किस किस साइज के मिल जाते हैं यहाँ पर? प्लॉट सर यहाँ पे मिनिमम 50 गज का होता है, उसके बाद 50 गज, 60 गज, 100 गज, 70 गज, 200 गज, वो फिर इन्वेस्टर के ऊपर बात। सर अगर 50 गज के प्लॉट की अगर हम प्राइस की बात करें तो मिनिमम प्राइस कितना हो जाता है? सर अगर मैं बात करूँ 6,500 रुपए के हिसाब से भी 50 गज का प्लॉट लगभग 3,25,000 रुपए का पड़ता है, लगभग 1,00,000 रुपया 30% डाउन पेमेंट देना पड़ता है, जो रेस्ट अमाउंट रहता है 6,000-7,000 रुपए पर मंथ की किस्त देनी होती है, जो कि लगभग मेरे ख्याल से 200 रुपए पर डे के आसपास पड़ता है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे इन्वेंट्री आप ऑनलाइन देख सकते हैं क्या अवेलेबल है क्या अवेलेबल नहीं है, पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आप जो थे कंपनी की वेबसाइट INSBuildTech.com है, आप उस पर जाएंगे, वहां पर अवेलेबिलिटी आप देख सकते हैं, जो अवेलेबल है वो ग्रीन है, जो बिक चुका है वो रेड हो चुका है और उस पर इन्वेस्टर का नाम आ जाता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये कह सकते हैं सर कि इस चीज को हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सिराज भाई क्या है ना कि रियल एस्टेट के अंदर क्या होता है ना, सबको तो नहीं कहूंगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते लोग। अब क्या है यहाँ पे क्लियर ट्रांसपेरेंट है जी, आपने जो प्लॉट लिया है सिराज भाई, आपने सपोज सिराज भाई के नाम से लिया है सिराज से, तो आपका मिनिमम 30% डाउन पेमेंट करते हैं उसके ऊपर नाम शो हो जाता है ऑनलाइन, 40% करके आपको रजिस्ट्री मिल जाती है, यानी कोई भी ऑनलाइन चेक करेगा तो आपको आपका नाम वहाँ पर मिल जाएगा, 30% देने के बाद बिल्कुल वहाँ पर प्रूफ आपको मिल जाता है। और यहाँ अगर रोड की बात करूँ मैं, यहाँ पे रोड 18 फीट, 20 फीट, 22 फीट, 25 फीट, 30 फीट, 40 फीट तक के रोड होते हैं, ठीक है। दूसरे अगर मैं एक और सबसे बड़ी बात करूं, कंपनी सिर्फ जमीन ही जमीन नहीं दे रही है, ठीक है जी, कंपनी जो रेट ले रही है आसपास से बहुत कॉम्पिटिटिव रेट ले रही है, 6,500, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 आज की तारीख में, कोई मतलब ये जो थे ना आसपास से बहुत कॉम्पिटिटिव रेट है। हाँ जी। इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं कि जमीन ही दे रही हो, आपको यहाँ पे इस रेट के अंदर रोड, बिजली, पानी, सीवर सारी चीजें कम्प्लीट करके दी, सारी सुविधाएं आपको, जैसे कि मैंने बताया रोड का काम स्टार्ट हो गया और वहां से रोड की अभी हम देखेंगे, तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखो परोपर कितने अच्छे से ये रोड वगैरह बना है, यहाँ पर ये मकान बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, ठीक है जी। ये रोड देख रहे हैं बिल्कुल सीमेंटेड रोड बनाए हुए हैं, ये सामने देख रहे हैं आप हमारा ये फेज 6 है, ठीक है, और सामने ये हाईवे आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, ठीक है सर, देख सकते हैं दोस्तों वहाँ पर आपको गाड़ियाँ चलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सोना सिटी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और ये आज लॉन्च हुआ है, ये आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा, और जो आज लॉन्चिंग में ही लगभग 50% जो था सोल्ड हो चुका है, ये सारा का सारा ये देख रहे हैं रोड वगैरह का सारा काम चल रहा है यहाँ पे, और ये बराबर में सरकारी स्कूल है। और अगर मैं आपसे कैमरामैन से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्लीज बाहर से थोड़ा रोड भी देखिएगा आसपास, पूरी परोपर यहाँ पे जो था ना आबादी है आसपास, ठीक है, यानी आज ही आप यहाँ पे बना के रह सकते हैं, यहाँ पे बिजली पानी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है, पानी बहुत बढ़िया है यहाँ पे, ठीक है, और पूरी आबादी के बीच में इधर चारों तरफ देखिएगा, चारों तरफ चारों तरफ आपको घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, तो आप अभी खरीद के अभी बना करके यहाँ पर अगर रह सकते हैं। अगर जैसे कि इस प्रोजेक्ट का नाम हमारा सोना सिटी है, इसकी हम बात करें तो इसका रेट 9,400 से 14,000 रुपए पर स्क्वायर गज तक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा, क्योंकि आज ही फर्स्ट डे में ही ये जो था प्रोजेक्ट हमारा लगभग 40-50% बिक चुका है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी दिए गए नंबरों पर कॉल करें और साइट विजिट पूरे दिल्ली NCR से क्या पूरे इंडिया से फ्री है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी आपके घर से आपके ऑफिस से। तो दोस्तों आपने देखा वीडियो के अंदर आपको सारी प्रॉपर्टी दिखा दी है, जो नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है वो भी दिखा दिया है,
अगर आपको यहाँ से प्लॉट चाहिए तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारी छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल सिराज सैफी को सब्सक्राइब करें और साथ में वह घंटे का बटन उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ, आपसे फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।